नमस्कार। भारतीय इतिहासकारों का लेखन इस प्रकार है मानो केवल दिल्ली ही समूचा भारतवर्ष है, इसीलिए लोदी जैसा सामान्य राजवंश भी भारतीय पाठ्य पुस्तकों में जगह बनाए हुए है, जबकि दक्षिण भारत के चोल और पांड्य राजवंशों, यहाँ तक कि महान और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य को भी विस्मृति के गर्त में दफनाने का पूरा प्रयास किया गया है। हमारे नौनिहालों को यह बताया ही नहीं जाता कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से कब्जे में लिया था। उस समय अधिकांश भूभाग पर मराठों का कब्जा था। उस तथाकथित मुस्लिम दौर में भी विजयनगर साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, समृद्ध और उन्नत। आज अगर किसी के सम्मुख मार्तंड वर्मा का नाम लिया जाए तो 90% लोग हैरत में पड़ जाते हैं, कौन है ये, जबकि त्रावणकोर के इस महान शासक ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी धूल चटाई थी। प्राचीन भारत का शौर्य, प्राचीन भारत का इतिहास अविस्मरणीय है, लेकिन इतिहासकारों ने उसे एक विचित्र दुखांत कहानी बना दिया है। हालत यह हो गई है कि आधुनिक भारतीय पीढ़ी अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, इसमें कुछ भी सराहना योग्य नहीं मानती। शायद यही उन इतिहासकारों का उद्देश्य भी रहा हो। आत्मगौरव विहीन, आत्मविश्वास रहित, स्वाभिमान शून्य भारतीय समाज की रचना क्या उचित कही जा सकती है? किंतु सोशल मीडिया के इस युग में भी क्या हम गाफिल बने रहेंगे? आखिर पप्पू से परिपक्व होना ही होगा, कब होंगे? इतिहास को समझने की नई दृष्टि आवश्यक है। यही बाबर और राणा सांगा की आगामी प्रस्तावित श्रृंखला का उद्देश्य भी है। आइए उस श्रृंखला की प्रस्तावना स्वरूप बाबर के आक्रमण से पूर्व के आततायी आक्रांताओं के घिनौने अत्याचारों पर एक नजर डालते हैं। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसके बाद वहां अपने प्रतिनिधि के रूप में जालौर के मालदेव सोनगरे को सामंत नियुक्त कर वापस दिल्ली चला गया, चित्तौड़ का विध्वंस कर। हम सभी जानते हैं महासती पद्मिनी के अमर जौहर की गाथा, इसलिए आज उसका उल्लेख न करते हुए हम आगे के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात के राजा कर्ण को पराजित किया, तब वह महारानी कमला देवी के साथ दो नौजवानों को भी गिलमों के रूप में गुलाम बनाकर अपने साथ लेकर आया था। गिलमे क्या हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं। उनमें से एक माणिक, इसको तो सुल्तान का विश्वास पात्र मलिक काफूर बना दिया गया, तो दूसरा खुसरू खान बन गया। महारानी कमला देवी से उसने खुद शादी कर ली बलपूर्वक, जबकि गुजरात नरेश महाराज कर्ण अपनी अबोध बेटी देवल देवी के साथ दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव नरेश रामचंद्र देव के शरणागत हो गए। 10 वर्ष बाद 1308 में, अर्थात महारानी पद्मिनी के जौहर के 5 वर्ष बाद, जब मलिक काफूर के नेतृत्व में मुस्लिम फौजों ने देवगिरी पर हमला किया, गुजरात की राजकुमारी देवल देवी भी उसके हत्थे चढ़ गईं। अलाउद्दीन ने देवल देवी की शादी बलपूर्वक अपने बेटे खिज्र खान से करवा दी, लेकिन इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं हिंदू चेतना जागृत रही और मौका पाते ही मलिक काफूर ने 1316 में अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर मार डाला, उसकी बेगमों को जेल में डाल दिया, शहजादे खिज्र खान की आंखें निकलवा दी गईं और अलाउद्दीन के 3 साल के बेटे के नाम पर खुद शासन करने लगा। लेकिन महज 35 दिन बाद
खुसरू खान ने जो दूसरा गिलमा था जो गुजरात से लाया गया था, सोते समय मलिक काफूर की गर्दन रेत दी और स्वयं नसरुद्दीन के नाम से सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन के सभी बेटे कत्ल कर दिए गए और इस तरह अलाउद्दीन का वंशनाश हो गया, उसे उसकी नृशंसता का फल मिला, जैसा कर्म वैसा फल। कहा जा सकता है कि देवल देवी की प्रेरणा से ही खुसरू खान ने यह सब किया। देवल देवी ने उसे उकसाया, यहां तक कि उससे शादी भी कर ली। इन दोनों ने सोचा था कि उनकी हिंदू पृष्ठभूमि के कारण देश के अन्य हिंदू राजा उनका साथ देंगे और इस प्रकार म्लेच्छ सत्ता का अंत हो जाएगा। काश उनका सपना सही सिद्ध हुआ होता, किंतु ऐसा हुआ नहीं और महज कुछ माह बाद 8 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन खिलजी का एक तुर्की गुलाम गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देवल देवी से उसने भी बलपूर्वक विवाह किया। देवल देवी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने जहर खाया, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बुर्ज से छलांग लगाकर स्वयं को मृत्यु के आगोश में पहुंचा दिया। उधर 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर चित्तौड़ को आजाद करवा चुके थे। उनकी वीर गाथा हम पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं, प्रसारित कर चुके हैं, लिंक इस समय आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, साथ ही वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं। सत्ता पाने के बाद मोहम्मद तुगलक ने चित्तौड़ पर धावा बोला, लेकिन न केवल बुरी तरह पराजित हुआ बल्कि बंदी भी बना लिया गया। 3 महीने तक वह चित्तौड़ की कैद में रहा और अंत में अजमेर, रणथंभौर, नागौर, शुआ और शिवपुर के इलाकों के साथ 100 हाथी और 50 लाख रुपए देकर उसने मुक्ति पाई। सन 1365 में राणा हम्मीर के स्वर्गवास के बाद महाराणा क्षेत्र सिंह ने राणा पद का गौरव अक्षुण्ण रखा। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह ने एक बार फिर चित्तौड़ कब्जाने का प्रयास किया, किंतु क्षेत्र सिंह ने बकरौल नामक स्थान पर उस विशाल यवन सेना को परास्त किया। बाबर ने जब भारत पर हमला किया, उस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था। इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जो विद्यार्थियों को रटाया जाता है, वह इन दोनों की मुस्लिम सेनाओं के बीच ही हुआ था। देश भर में कई हिंदू राजा भी थे तो कई अन्य छोटी बड़ी मुस्लिम रियासतें भी अस्तित्व में आ चुकी थीं। राजस्थान में सबसे प्रबल राजपूत राजा थे राणा सांगा, जिन्होंने दिल्ली, मांडू और गुजरात के मुस्लिम शासकों को नाकों चने चब्बा दिए थे। कोई ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने पराजित न किया हो। वैसे तो भारत कभी पूरी तरह गुलाम हुआ ही नहीं, उस समय तो लगभग स्वतंत्र ही था, किंतु भारत के स्वनाम धन्य इतिहासकार तो दिल्ली स्वर को ही परमेश्वर मानते हैं, उसे ही सब कुछ मानते हैं। अतः चूंकि दिल्ली पर मोहम्मद गौरी के बाद से ही कोई न कोई मुस्लिम ही राज कर रहा था, तो उनकी नज़र में सारा भारत ही उनके अधीन ही था, मुसलमानों के अधीन ही था। आइए आगामी श्रृंखला राणा सांगा और बाबर में हम दोनों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक विहंगम नज़र डालेंगे। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।